हेलो गाइज, एक नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो प्यार दिया है, तो इसीलिए मैं तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि फर्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाया था कि मैं यात्रा शुरुआत किया था बोइना से बिनकेई तक, और बिनके में थोड़ा वीडियो लंबा होने की वजह से मैं बहुत सारा ऐसे शॉर्ट था जो छोड़ दिया था, तो मुझे लगा कि और एक वीडियो बनाना चाहिए, तो इस वीडियो उस वीडियो का एक पार्ट है, सेकंड पार्ट। इस सैंड आर्ट को बनाने वाले हैं आठ मल के रहने वाले यंग डायनेमिक सैंड आर्टिस्ट मिस्टर रुबेलाल प्रधान, और इस आर्ट की लेंथ है 75 फीट और हाइट है 15 फीट। मुझे नहीं लगता इससे पहले इतनी बड़ी आर्ट कोई बनाया हो, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। एडवेंचर के साथ साथ आप पिकनिक का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों, ये तो जनवरी का महीना चल रहा है और पूरा नदी अभी बालू में भरा हुआ है, पानी नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं है नदी में। लेकिन जो अगर आप बारिश का सीजन में मानसून में आना चाहते हैं तो उसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। दोस्तों, मैं मानसून का सीजन में एक बार यहाँ आया था, तो जून जुलाई का महीना था, मैं कुछ शॉट लिया था उसी टाइम, तो मुझे लगता है आप लोग को भी देखना चाहिए। Go back to previous. बिनके में काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है, जैसे एक डाक बंगला। अगर आप रात में रुकना चाहेंगे तो यहाँ पर सारे सुविधा उपलब्ध है। सीजन में कभी कभी नदी में बाढ़ भी आ जाता है, तो नज़ारा कुछ इस तरह का होता है।